हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो ड्राई स्किन को लेकर है। विंटर सीजन आ चुका है और हमारी स्किन बहुत ही खिंची खिंची सी फील करती है, डल फील करती है, हमारी स्किन पे वाइट परत निकलने लगती है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है विंटर सीजन में, काफ़ी खिंची खिंची सी हमारी स्किन हो जाती है। तो उसके लिए मैं जस्ट आपको एक फेशियल बताने वाली हूँ। वो फेशियल करने से आपकी स्किन काफ़ी नरिश हो जाएगी, डलनेस नहीं हो रहेगी आपकी स्किन पे, आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी। चलिए फटाफट से बताती हूँ कि मैं वो कौन सा फेशियल है जिसके बारे में बात कर। आपको जस्ट फेशियल के लिए एक ही इंग्रेडिएंट यूज़ करना है, वो है विटामिन ई कैप्सूल। ये विटामिन ई फेस कैप्सूल है फ्रेंड्स, ये फेशियल ऑयल है एक तरह का। मार्केट में बहुत सारे ऑयल अवेलेबल है विटामिन ई के। ज़्यादातर मैं देखती हूँ कि यूट्यूब पर वो ग्रीन कलर का जो आता है, जो कि आपको मेडिकल में इजीली मिल जाता है विटामिन ई का कैप्सूल, वो फेस और हेयर के लिए बताया जाता है कि आपको फेस और हेयर पे अप्लाई करें। एक्चुअली वो जो कैप्सूल है फ्रेंड्स, वो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं हमें वो कैप्सूल खाने के लिए, जब हमारे अंदरूनी भी चीज़ें जैसे विटामिन सी की हमारी अंदरूनी भी ज़रूरत होती है, विटामिन ई की अंदरूनी ज़रूरत होती है, तब वो कैप्सूल डॉक्टर रिकमेंड करते हैं हमें खाने के लिए। उसी तरह से बाहर भी हमारे स्किन को नरिश करने के लिए हमें विटामिन ई कैप्सूल की बहुत ज़रूरत पड़ती है। बट ये विटामिन ई कैप्सूल फ्रेंड्स, ये विटामिन ई कैप्सूल आपको यूज़ करना है, ये फेशियल के लिए, स्पेशली ये फेशियल के लिए ही विटामिन ई कैप्सूल है, वो वाला आपको यूज़ नहीं करना है। बट अगर आप यूज़ करते हैं, आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करूँगी कि ये वाला ही फेशियल ऑयल आप यूज़ करें। ये दुकान पर आप आराम से इसे ले सकते हैं, आप फेशियल ऑयल बोलिए। ये कुछ हार्डली 100 रुपीज़ के आ जाते हैं ये फेशियल ऑयल, और उसमें 60 कैप्सूल्स है इसके अंदर। और यहाँ पर लिखा भी होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा रहता है कि ये फेशियल ऑयल है। मैं जब फेशियल करती हूँ फ्रेंड्स अपने क्लाइंट्स का, तो मैं यही यूज़ करती हूँ, यही कैप्सूल मैं यूज़ करती हूँ अपने फ्रेंड्स के फेस पर, अपने क्लाइंट के फेस पर। इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आता है बिकॉज ये स्पेशली फेशियल ऑयल है। तो आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड, इस कैप्सूल से आपको आपके फेस पर मसाज करनी है और कुछ भी नहीं करना है आपको। तो चलिए फटाफट बताती हूँ कि आपको इस कैप्सूल से मसाज कैसे करनी है। आपको विटामिन ई की 2 कैप्सूल्स लेनी है। इसके कलर पे मत जाइएगा फ्रेंड्स, आप जब ये विटामिन ई कैप्सूल्स लेने के लिए जाएंगे तो ये काफ़ी कलर्स में बनते हैं, पिंक होते हैं, रेड होते हैं, गोल्डन, सिल्वर, काफ़ी कलर्स में अवेलेबल होता है। ऐसा नहीं है कि आप कलर्स देख के कन्फ्यूज़ हो जाए कि विटामिन ई कौन सा कैप्सूल लें, ये बहुत तरह के कलर्स में आता है। बट इसमें जो ऑयल होता है वो सेम ही होता है, तो आप बिल्कुल भी विटामिन ई कैप्सूल लेते हो कन्फ्यूज़ ना हो कि ये कलर अलग क्यों है। तो ये बहुत सारे कलर्स में बनते हैं, तो इसके लिए आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ मत होइए। 2 विटामिन ई का कैप्सूल लीजिए आप, और इसे कट कर लीजिए सीजर से। इस तरह से इसमें से ऑयल निकाल लीजिए आप। अगर आपको लगता है कि आपको एक कैप्सूल की ज़रूरत है, आप एक ही कैप्सूल यूज़ करें, या आपको और भी कैप्सूल्स की ज़रूरत लगती है तो आप और भी कैप्सूल्स यूज़ कर सकते हैं। बस इसे आप अपने फेस पर लगा लीजिए इस तरह से। अच्छी तरह से पूरे फेस पर लगा लीजिए ये ऑयल। अब आपको इस तरह से अपने पाम पर अच्छी तरह से पूरे लगा लेना है फेशियल ऑयल को। अब आपको करना है फेस मसाज, तो आप सर्कुलेशन मोशन में अपना मसाज स्टार्ट करेंगे, ऊपर की तरफ ही मसाज कर दीजिएगा फ्रेंड। इस तरह से फॉरहेड पर मसाज कर लीजिए। ये ऑयल जब फ्रेंड्स आपके फेस के अंदर जाएगा तो काफ़ी नरिश करेगा आपकी स्किन को, आपकी ड्राइनेस काफ़ी दूर तक हट जाएगी।
आप अपने फिंगर से सर्कुलेशन मोशन पे अपने आई पर मसाज कर लें। इस तरह से अपने फेस पर मसाज कर लें। इस साइड भी इस तरीके से मसाज कर लें। हार्डली आपको 5 मिनट्स ही मसाज करना है। अगर आप ये मसाज नाइट में करते हैं, जब आप सोने जाते हैं तब आप ये मसाज करें, तो मॉर्निंग में आपकी स्किन बहुत ही अच्छी फील होगी, बिल्कुल भी ड्राइनेस आपकी स्किन पर नहीं रहेगी। ये एक्चुअली बहुत सारे होम रेमेडीज़ भी हैं स्किन को लेकर, ड्राई स्किन को लेकर, कि आप ये अप्लाई करें तो आपकी स्किन मुलायम रहेगी। बट ये उन लोगों के लिए है जो लोग बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं, होम रेमेडीज़ यूज़ नहीं कर पाते हैं, ऑफिस वर्क करती हैं तो बिल्कुल भी उनको टाइम नहीं मिलता है कि वो होम रेमेडीज़ घर पर बनाए फिर उसको अप्लाई करें। तो ये टिप्स उनके लिए है कि वो अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो रात में ये विटामिन ई के जो कैप्सूल्स है उससे अपने फेस पर मसाज करें 5 मिनट तक, उसके बाद वो सो जाएं। देन मॉर्निंग में जब वो उठेंगे अपना फेस भी वॉश करेंगे, फेस वॉश लगाएं, आप जिसे भी फेस वॉश करें, लेकिन फिर भी आपके आपके फेस पे बिल्कुल भी ड्राइनेस फील नहीं होगी, बहुत ही अच्छी आपकी स्किन लगेगी और पूरा दिन आपका स्किन ग्लो करेगा। तो आप एक बार इसे फ्रेंड ट्राई ज़रूर करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा फेशियल है। और एक मैं आपको सलाह दूंगी, अगर आपके पास जेड रोलर है, ये जेड रोलर के बारे में भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं कि इसे कैसे यूज़ करना है। अगर आपके पास जेड रोलर है ना फ्रेंड्स, तो इसे भी आप अपने फेस पर मसाज करना, बहुत लाइटली, बहुत जोर लगा के आपको मसाज नहीं करना है, बहुत ही लाइटली आपको मसाज करना है। तो आप इससे भी मसाज करेंगे तो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आएगा। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, ये मैंने अपने चैनल पर बताया हुआ है वीडियो में, आप जाकर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है। अगर आप इसे भी साथ में यूज़ करते हो तो कहते हैं ना सोने पर सुहागा, वो हो जाएगा, क्योंकि आपकी स्किन भी बहुत ग्लो करने लगेगी, स्किन हेल्दी हो जाएगी, स्किन से टॉक्सिन्स आपके बाहर आ जाएंगे, झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी आपके स्किन पर। तो ड्राई स्किन के लिए फ्रेंड्स आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा है ये फेशियल। आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट विटामिन ई के कैप्सूल से आपको मसाज करना है। बेटर है अगर आप विटामिन ई के कैप्सूल्स, फेशियल ई कैप्सूल्स लेकर आए मार्केट से और उससे ही मसाज आप करें। इस तरह से फॉरहेड पे मसाज कीजिए, मसाज भी मैंने जेड रोलर से बताया हुआ है वीडियो पर, तो आप जाकर देख सकते हैं। कीजिएगा फ्रेंड्स, मेरे घर में एक्चुअली बर्ड्स है तो उनकी आवाज़ें आती रहती हैं, तो प्लीज़ उसे आप इग्नोर कीजिएगा आवाज़ को। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आई थिंक सो, कि आप इसे ट्राई कीजिए। और अभी भी आप देख सकते हैं कि ऑयल लगाने के बाद भी फेस कितना ग्लो कर रहा है, आपको बिल्कुल भी चिपचिप सा फील नहीं होगा ये ऑयल लगाने के बाद। आप मॉर्निंग में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नाइट में मसाज करना है, आपको जब भी टाइम मिले आप इससे मसाज करके आप ऐसे ही स्किन को छोड़ दें, आप सच में आपकी स्किन बहुत ही मुलायम फील होगी, बहुत ही अच्छा लगेगा और दिन भर आपका फेस ग्लो करेगा। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आई थिंक सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है फ्रेंड्स। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, अपना प्यार मुझे देते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।